नवंबर नवंबर 23 को, 23 को इन्फॉर्मेशन आई पुलिस स्टेशन को, फिरियादी विनय सिंह फिरियादी थे और उन्होंने कंप्लेंट दी कि उनका जो 7 साल का बच्चा है और एक 17 साल की उनकी जो रिलेटिव है वो किडनैप हो गई है। और शुरू में उनको फ़ोन भी आया था कि इसमें 10 लाख की मांग हुई है, तो इसमें अभी थोड़ा क्रिटिकल मैटर था। जो उनको मांग की गई थी 10 लाख की और 7 साल का बच्चा और 17 साल की एक लड़की थी, तो इसमें थोड़ा ग्रीवियस मैटर था। तो इसमें जो सीनियर पीआई खांदेश्वर सोनवने साहब है, क्राइम पीआई ढाकने साहब है, एसीपी पनवेल डिवीजन सोनवने साहब और जोन 2 के सभी टीम इस पे ऊपर वर्क कर रही थी। हमने 7 टीम बनाई और टीम बना के कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर रही थी, कुछ लोग जहाँ पे सीसीटीवी एनालिसिस करके लोकेशन वर्कआउट कर रही थी। और इसमें हमें ब्रेक थ्रू मिला, सीएसटी में लोकेशन लोकेट हुआ। बाद में हमारी टीम वहाँ पे पहुँचने के बाद लोकेशन भी वहाँ से दूर गया, तो बाद में फोन भी अलग अलग चेंज करके वो ये कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो ये सभी टीम वर्क के बाद हमें कुर्ला बांद्रा स्टेशन के ऊपर रात को 1-1.5 बजे हमें विक्टिम मिला, दोनों विक्टिम मिले। तो उसके बाद और आरोपी वहाँ से फरार हो गया। तो बाद में भी हमारा जो विक्टिम को इंट्रोगेट किया गया, बाद में जो हमें कुछ और भी मालूमात मिली उसमें ऐसा पाया गया कि जो विक्टिम है वो 17 साल नहीं की बल्कि 20 साल की विक्टिम है, जो लड़की थी वो। और उसकी शादी 1-6 महीने पहले जुलाई में हुई थी और वो शादी के लिए घर से अपोज था। घर में जो अपोज था वो मामा के भी अपोज था जो फिरियादी है, और उसके घर में अपोज था। तो इनको कुछ सबक सिखाया जाए ऐसा उनके दिमाग में था। तो ये जो लड़की है और उसका जो जो मंगेतर या जिसे जिसके साथ शादी हुई और जो आरोपी है, ये दोनों ने मिलके ये प्लानिंग बनाया कि इसको अगर सबक सिखाना है तो उसको बच्चे को किडनैप करे। और ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने 7 दिन पहले ये जो आरोपी लड़की है जो विक्टिम थी वो फिरियादी के घर पे रहने के लिए आई, जो उसका उनका बेटा था। जो जिस दिन घटना घटी उस दिन वो शाम को मेडिकल में जाती हुई करके बोली घर में और वो बच्चे को लेके गई। बाद में उसने ट्रेन पकड़ के वो सीएसटी की तरफ गई, वहाँ से शायद वो भागने वाले थे उसको लेके लड़के को। तो तभी टाइमली इंटरवेंशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा हुआ, टेक्निकल एनालिसिस हो या टीम वर्क हो, और इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू मिला। दोनों विक्टिम हम रेस्क्यू कर पाए और आरोपी भी हमने अरेस्ट किए हैं। और एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन और टीम वर्क खांदेश्वर पुलिस स्टेशन का और जोन 2 के सभी जो टीम्स थी उसमें होके ये हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिला। और फिरियादी ने थोड़ी पहले हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी तो थोड़ी तकलीफ थी इन्वेस्टिगेशन में। तो बाकी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया तो ये बातें उभर के आई कि कुछ स्टोरी अलग ही है, लेकिन इसमें ट्रूथ ये है कि 7 साल का बच्चा किडनैप हो गया था और उसको हानि पहुंच सकती थी, और हमने 4 घंटे में ये सक्सेस मिला, इसलिए हमें वो टाइम पे विक्टिम रेस्क्यू हुआ।